बिल्कुल गलत। हाथ हाथ के नीचे आएगा, सूरह फातिहा पढ़ी जाएगी और फिर क्या करेंगे, कुरान की कोई सूरत, फिर उसके बाद हाँ जी अल्लाह अकबर कहेंगे, अल्लाह अकबर। ठीक है, क्यों रफुल यदैन नहीं किया? रफुल यदैन, मेरे कोई बुत रखे हुए हैं जो मैं रफुल यदैन करूं? कहते हैं बुत रखे होते थे मक्का के अंदर, बुत बगल में, इतना ही बुत आएगा ना, ये बुत रख लिया मैंने बगल में, मैंने रफुल यदैन किया, बुत गिरा? बुत गिरा नहीं गिरा। सुन्नी जो रफुल यदैन करता है ना, बुत फिर गिरता है। गिर गया, सोच लो, ठंडे दिल से सोचिएगा मेरी बातें, मैंने कोई तनख्वाह नहीं लेनी आपसे। ये बुत रखा हुआ है, ये देखो अहले हदीस रफुल यदैन करता है फर्स्ट क्लास, धड़ल्ले से कर रहा है। बुत अहले हदीस का तो बुत अंदर है। सुन्नी ने रफुल यदैन किया, वो तो पहली में गिर गया, फिर दूसरी में क्यों? दुनिया की किसी हदीस की किताब में ये वाकया नहीं। डॉक्टर इल्ताफ साहब साल हर साल तहकीक करते रहे, इतने सवाल करते थे ना मुझसे, और मैं कहता था या अल्लाह ये बंदा सवाल बड़ा करता है, रफुल यदैन क्यों नहीं करता? अल्लाह ने सीना खोल दिया, तंग आ गए ना कि यार कोई जवाब ही कहीं नहीं मिल रहा है। फिर हाथ उठ गए अल्हम्दुलिल्लाह, नमाज दुरुस्त हो गई। ये निशानी है दूर। आप सारे काम सुन्नत के मुताबिक करें और नमाज ये वाली पढ़ें, सारे कहेंगे पक्का सुन्नी है। सारे काम सुन्नत के खिलाफ करें और जाते हुए रुकू में ऐसे करो, उनका पक्का वहाबी आया। ये निशानी है, ये इम्तियाज है, बुत नहीं। दुनिया की किसी किताब में ये आई बात कहां से? फिर किसी किताब में नहीं, हदीस की किताब नहीं कह रहा, दुनिया की किसी आलिम ने किताब लिखी हो ना और कहो जी ये देखो फला इमाम का कौल है, सब झूठ, कुछ भी नहीं, पैदल खबरें। आई कहां से? मेरे नानकों से, वो जो मेरे सैयद का नानके है ना इधर बैठे, इमाम बारगाह से आई है। हम सैयद हैं या हुसैन, फंस गए हुसैन वालों ने दी। कैसे? कि नबी के पीछे सबसे पहले नमाज पढ़ने वाला कौन है? अबू बकर रज़ी अल्लाह ताला, अली तो बच्चे हैं ना, अबू बकर, उमर, उस्मान, और उनके नजदीक ये लोग मुसलमान नहीं है। ये बुत क्यों रखते थे जी? वो मुनाफिक होते थे। अल्लाह के बंदे, मुनाफिक तो मक्के में थे ही नहीं, मुनाफिक तो मदीने में थे, मदीने में थे। और बुत तो पहली दफा में ही बुत गिर जाता है, फिर रुकू को जाते हुए क्यों ऐवें पैदल खबरें? सहाबा पर तान। नमाज पढ़ने वाले कौन है? अबू बकर, सहाबा की जमात है पहली सफ में, पहली सफ के, और उनके ऊपर इल्जाम कि वो बुत रखते थे। अबू बकर अगर बुत रखे तो दुनिया में कोई और बंदा मुसलमान है? सुभान, पैदल खबरें बनाई। सही मुस्लिम की हदीस बयान करते हैं, रसूलुल्लाह सल्लम ने फरमाया उस्कुनु फिस्सलात, नमाज में सुकून से रहो, यानी फिर ब्रैकेट में लिखता है मौलवी, यानी रफ़ल यदैन ना करो, नमाज में सुकून में रहो। नमाज शुरू हो गई है, ईद की नमाज है, सुन्नी नमाज पढ़ रहा है, एक तकबीर, फिर दूसरी तकबीर, कितनी तकबीरें पढ़ते हैं? छः ना सुन्नी भाई, सुन्नी कितनी पढ़ते हैं? सुन्नी छः, और पक्का सुन्नी बैठा हुआ है मलक अली बहादुर, नियत करते हैं बकायदा जायद, छः जायद तकबीरों की नियत। अब वो कहते हैं नमाज में सुकून और रफ़ल यदैन, जब सुकून है तो रफ़ल यदैन क्यों? रुकू की रफ़ल यदैन कैंसिल, ईद की जारी। वितर पढ़ते हैं कितने? तीन। तीसरी रकत में अल्लाह अकबर, अल्लाहुम्मा इन्ना नस्तईनुका व नस्तगफिरुका व नुमिनु बिका व नतवक्कलु अलैक, ये पढ़ते हैं ना दुआए कनूत। बिल्कुल सही हदीस से साबित है दुआए कनूत, हदीस से साबित है दुआए कनूत। हम नहीं पढ़ते, हम ये दुआए कनूत नहीं पढ़ते। क्यों नहीं पढ़ते? हदीस से साबित है तो फिर इसलिए नहीं पढ़ते
इसमें लफ्ज है, व नखलाऊ व नतरुकू मैं यफजुरू का, हम अलहदा हो जाते हैं और छोड़ देते हैं उन लोगों को जो तेरी बगावत करते हैं, छोड़ते हैं। बीवी नमाज नहीं पढ़ती तलाक देते हैं, भाई नमाज नहीं पढ़ता कारोबार से उठाते हैं, रोजाना रब के सामने झूठ बोलते हैं हमने छोड़ दिए अल्लाह जो तेरे बागी है, और पक्की यारी होती है उनसे, रोजाना झूठ रब से, हम इसलिए नहीं पढ़ते। सहाबा पढ़ते थे और अपने बाप की गर्दन काट देते जो नबी का दुश्मन होता, वो पढ़ सकते थे, हम नहीं कमजोर हैं, हम नहीं पढ़ते क्योंकि हमने दोस्तियां लगा रखी, हम वो पढ़ते या अल्लाह हदायत दे दे, अल्लाहुम्मा हदीनी फी मन हदई, हदायत वालों में शामिल फरमा दे। तो रफ़ुल यदैन, वितरों में रफ़ुल यदैन करता है, जाइए हदीस में तलाश कीजिए, किसी सही हदीस में वितर कनूत से पहले, दुआए कनूत से पहले रफ़ुल यदैन नहीं है, नहीं है। जहां है वहां नहीं करता, और जहां नहीं है वहां करता है, फैसला कर ले नमाज कबूल होगी कि नहीं होगी। अल्लाहु अकबर, कुल हुवल्लाहु अहद, अल्लाहु समद लम। कुछ लोग यहां खड़े हैं ना, आंखें बंद कर लेते, पहुंच गए हैं। पैगंबर क्या ने क्या फरमाया, आंखें कहां लगाओ, बोलो आंखें कहां, सजदे पर, और मैंने आंखें बंद कर ली हैं जी। बंद करके बड़ा मजा आता है, अगर बंद करके मजा आता तो अबू बकर को नमाज बंद करके पढ़नी चाहिए थी, नबी को ऐसे पढ़ानी चाहिए थी, जिब्रील को सिखानी चाहिए थी।